सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स को और दबाइए बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ICRPG काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स और फीस डिटेल के बारे में। तो हम देखते हैं कितनी सीटें हैं और क्या क्या कौन सी कॉलेज की फीस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ICAR exam.net की साइट लगाएंगे। क्लिक करते हैं इस साइट पे। क्लिक करने के बाद ICAR.net exam की साइट पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे, इनिशियल सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इसमें हम PG सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में कोर्स लिखा, कौन सा कोर्स है, मान लो मैं ये फर्स्ट कोर्स ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में हमने कोड डालने हैं, तो जो ये कोड हैं वो डाल देंगे हम यहाँ XH और इसके बाद में 293। ये कोड डालने के बाद में व्यू सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही व्यू सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे, ये देखो इस कोर्स की ये सीटें आ जाती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी कोड दिया गया है, यूनिवर्सिटी शॉर्ट नेम दिया गया है, यूनिवर्सिटी फुल नेम दिया गया है। इसके बाद में ये कैटेगरी की सीटें दी हैं और लास्ट में इसमें फ़ी डिटेल है, जैसे 31,700। इस प्रकार से आप ये सीट मैट्रिक्स, वैकेंट सीट भी देख सकते हैं और फीस की डिटेल भी देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से चेक करके रजिस्ट्रेशन के समय में आप अपने कॉलेज चूज कर सकते हैं। चॉइस फिल करते समय कौन सी कॉलेज की कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, ये ध्यान रखते हुए आप चॉइस फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी फीस और सीट मैट्रिक्स के बारे में। और कोई नई अपडेट जैसे ही आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।